नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच का न्यूज बुलेटिन। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। लग्जरी कार मेकर कंपनी बीएमडब्ल्यू इंडिया ने देश भर के अपने सभी नेटवर्क पर नई सर्विस कैंपेन एक्सटेंडेड केयर प्लस की शुरुआत की है। इस कैंपेन में बीएमडब्ल्यू ग्राहकों में आफ्टर सेल सर्विस, प्री मॉनसून और इलेक्ट्रिक उपकरणों के चेकअप की सुविधा मिलेगी। बीएमडब्ल्यू ने कहा कि एक्सटेंडेड केयर प्लस एक 33 पॉइंट चेक सर्विस है जो पूरे साल बीएमडब्ल्यू को टॉप कंडीशन में बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है और बाढ़ग्रस्त इलाकों में इस सर्विस का फायदा कार मालिकों को मिलेगा। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को हुआ था और उनकी कामयाबी के सफर में दो चीजें बेहद खास रही। पहले उनके पिता की दी गई किताब जिसने उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जोड़ा, और दूसरा भारत के उत्तराखंड के एक संत का आशीर्वाद जिसने मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी बदल दी। रेल सेवा के 12 मई से शुरू होते ही टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। 15 रूटों पर चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के लिए अब तक 2,34,411 यात्रियों ने टिकट बुक करवाई है। 13 मई को 20,149 यात्रियों ने यात्रा की और गुरुवार को 28,737 यात्रियों की बुकिंग है, जिसमें से अभी तक रेलवे को 45,30,09,675 रुपए इनकम आई है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की लंदन की एक अदालत में चल रही सुनवाई में मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जज अभय थिप्से ने नीरव के पक्ष में गवाही दी। वह विभिन्न मामलों में अपने उल्लेखनीय फैसलों के लिए चर्चित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बिजली वितरण कंपनियों को राहत देते हुए उन्हें 90,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। कोरोना महामारी के चलते डिस्कॉम को नकदी की किल्लत हो रही थी। उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले का लाभ ग्राहकों को भी मिलेगा। 17 मई के बाद दिल्ली में क्या क्या खुलना चाहिए, इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वासियों के 5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। इसमें मास्क ना पहनने पर कड़ी कार्रवाई, ऑड इवन से दुकानें खुलने देने के आइडिये शामिल है। मुख्यमंत्री ने इन सुझावों की जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल पूरे देश में आपदा प्रबंधन एक्ट लागू है, ऐसे में केंद्र सरकार के ऊपर है कि वह दिल्ली को कितनी छूट देंगे। देश भर में बदलते मौसम के बीच भारतीय मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी के मुताबिक देश पर कोरोना संकट के बीच एक चक्रवर्ती तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उठा चक्रवर्ती तूफान अनफन रविवार शाम तक देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले सकता है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 78,000 के पार हो गई है, जिसमें से 2,500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है एवं 26,234 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में गुरुवार को मिले 4 नए केस, कुल संख्या 170 हो चुकी है। गुरुग्राम में रोड एक्सीडेंट के दौरान सिविल डिफेंस के कोरोना योद्धा सरवन कुमार का हुआ निधन। कोविड-19 के चलते टेम्परेचर स्कैनिंग एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित करके कर रहे थे राष्ट्र की सेवा। गुरुवार को गुरुग्राम पुलिस ने एक बार फिर इंसानियत का परिचय देते हुए कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक गली में बेसुध पड़ी महिला को पानी में खाना देकर उसकी संभाल की। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि सबसे तेज नहीं सिर्फ सच मिलेगा आपको, ओनली ऑन वायरल सच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।